अस्सलामुअलैकुम। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें, व्हेन एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द काइंड आर क्वालिटी, काइंड आर क्वालिटी ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव तो वो होता है ना जो नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताए, नाउन की तारीफ और तौसीफ करे, नाउन के मानी में इजाफा करे, वो होता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की बहुत से टाइप्स है जिनमें से क्वालिटी उसकी है। एक टाइप उसकी है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन सी उसकी टाइप है, ये क्या करती है? इसका काम होता है किसी भी नाउन की काइंड को बयान करना, उसकी किस्म उसकी वैरायटी को बयान करना और उसकी क्वालिटी को बयान करना। तो वो क्वालिटी नीचे देखे वो उसकी वो जो क्वालिटी है वो साइज की में भी हो सकती है, शेप के लिहाज से भी बयान कर सकता है, कलर के लिहाज से भी बयान कर सकता है और उसके अलावा उसकी बैड क्वालिटी करेक्टर्स के लिहाज से भी बयान कर सकता है। किसकी क्वालिटी बयान कर सकता है? पर्सन की, प्लेस की, थिंग की भी हो सकती है या फिर एनिमल, इनमें से किसी की भी क्वालिटी हो सकती है। उसका साइज हो सकता है, शेप हो सकता है, कलर हो सकता है या फिर उनका करेक्टर हो सकता है। इसकी देखें, इट गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट काइंड। बस ये आप बात अच्छी तरह याद रखिए, अगर आपको ने पता करना होगा एडजेक्टिव क्या है तो आपने एक सवाल करना है नाउन से कि हाँ भाई नाउन आप क्या हो या कैसे हो, व्हाट काइंड की तुम्हारी वैरायटी क्या है, तुम्हारी किस्म क्या है। नीचे कुछ एग्जांपल देखें, ये देखें ये साइज के हवाले से है, ये साइज को मेजर करता है और इसके अलावा ये कलर्स उनके शेप्स जो होती हैं, रेक्टेंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, सर्कुलर शेप है, पेंटागन शेप है, कौन कैसी शेप है, कलर्स उसके जितने भी कलर्स होते हैं सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। तमाम के तमाम कलर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएंगे, तमाम साइज एडजेक्टिव क्वालिटी में आएंगे, तमाम ये शेप्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएंगी और तमाम करेक्टर्स चाहे वो गुड करेक्टर हो या फिर बैड करेक्टर हो, ईमानदार करेक्टर हो या बेईमान करेक्टर हो, तमाम करेक्टर्स भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही में आएंगे। अब इसकी मिसालें देखें, पहले हमारे पास है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में क्या होता है, खूबसूरत, इस तरह हेल्दी है, पोलाइट है, ऑनेस्ट है, गुड, इस तरह बैड, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, प्राउड, नर्वस, यूजफुल, अट्रैक्टिव। तो ये वो वर्ड्स हैं जो सारे के सारे एडजेक्टिव हैं और ये नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। पीछे हम इसकी कोई सेंटेंस वाले एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस हमारे पास, ही इज ए मैन, सिंपल सेंटेंस है, ही इज ए मैन, वो एक आदमी, हमें सिंपल से पता चला। उस आदमी के बारे में हमें कुछ नहीं पता चला कि वो कैसा है। अब हम कहते हैं ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब हमें पता चला कि वो आदमी जो है ना वो ईमानदार है, तो किस लफ्ज ने बताया हमें आदमी के बारे में कैसा है, ऑनेस्ट ने। आदमी कैसा है, ईमानदार, मतलब आदमी कैसा है, ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव। लाहौर इज अ सिटी, लाहौर एक शहर है। लाहौर कैसा शहर है, लाहौर जनाब ब्यूटीफुल सिटी है। कैसा है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत शहर है। लाहौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। वो कैसी लड़की है, पोलाइट, नरम, रहमदिल, वो एक रहमदिल लड़की है। तो ऐसे अल्फाज जो हमें बताते हैं कि कोई नाउन कैसा है, वो ऑनेस्ट है या नहीं है, वो सच्चा है कि झूठा है, कैसा है, वो वर्ड क्या कहलाते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं।